नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं प्रिया एक बार फिर से हाजिर हूँ बेरोजगारों के लिए रोजगार सीरीज को लेकर। तो चलिए जानते हैं चौथे सप्ताह के रोजगारों के बारे में। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्यकारी श्रेणी और गैर कार्यकारी श्रेणी के 183 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन भरने की अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्यकारी श्रेणी में असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर S&T के लिए 60% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड, इंजीनियरिंग में BE या BTech डिग्री, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए CA, ICWA की डिग्री, असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए बिजनेस MBA में मास्टर डिग्री में HR, PGDM, HR न्यूनतम 60% अंकों के साथ और असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य होगा। वहीं गैर कार्यकारी श्रेणी में जूनियर इंजीनियर JE सिविल, जूनियर इंजीनियर JE इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर JE S&T के लिए 3 साल का डिप्लोमा संबंधित ट्रेड के इंजीनियरिंग या स्ट्रीम में न्यूनतम 60% अंकों के साथ, जबकि पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए जनसंचार या पत्रकारिता में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम इन पदों पर आवेदन भरने के लिए उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष ST SC और OBC के UP के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट है। वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो कार्यकारी श्रेणी वालों को 50,000 से 1,60,000, जबकि गैर कार्यकारी श्रेणी में पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट को 25,000 से 51,000, जबकि अन्य को 33,000 से 67,300 तक देय होगा। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS को ₹590, जबकि SC ST को ₹236 आवेदन शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। वहीं अगर हम आवेदन तिथि की बात करें तो 22 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 23 दिसंबर तक जारी रहेगी। कहां करें आवेदन, तो उम्मीदवारों को वेबसाइट www.upmetrorail.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही अभ्यर्थी यहां से इस आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस ने LDC और UDC के 66 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो UDC के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री एवं LDC के लिए 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना, साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में 35 WPM और हिंदी में 30 WPM जरूरी होगा। वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें तो 19 दिसंबर 2019 तक कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्षों, ST SC के लिए 5 साल, जबकि OBC के लिए 3 वर्षों की सीमा में छूट है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो अभी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन 19 नवंबर से शुरू हो चुका है और जो कि 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC के लिए ₹100, जबकि SC ST EWS महिला के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड के माध्यम से किया जा सकता है। कहां करें आवेदन, तो उम्मीदवार www.ccras.nic.in, ayush.gov.in, ccrhindia.nic.in और ccryn.gov.in में से किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी भी यहां से ले सकते हैं। इंडियन नेवी ने नाविक प्रवेश मैट्रिक भर्ती अक्टूबर 2020 बैच के शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीन्स के पदों पर 400 रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कक्षा 10 परीक्षा भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आपको बता दें कि केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्र सीमा 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2003 के बीच में जन्मे हुए लोग ही इन पदों पर आवेदन भर सकते हैं। एवं वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 14,600 प्रतिमाह वेतन होगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण में सफल समापन पर उन्हें रक्षा वेतन मैट्रिक्स के स्तर में 3 में रखा जाएगा, जिसमें उन्हें 21,700 से ₹69,100 दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें MSP के रूप में 5,200 प्रतिमाह के साथ DA का भुगतान किया जाएगा। वहीं हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन 23 नवंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। आवेदन शुल्क जनरल और OBC के लिए ₹215, जबकि ST एवं SC को कोई शुल्क नहीं लगेगा। कहां करें आवेदन, तो आवेदन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय मूल में आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड किया जाना आवश्यक है। रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने विभिन्न विभागों के सहायक प्रोफेसर के लिए 134 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। अगर इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो कम से कम 55% अंक के साथ मास्टर की डिग्री और उम्मीदवार ने UGC या CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्लियर किया हो। ST SC और OBC को मास्टर डिग्री में 5% अंक की छूट होगी। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो 7वें शैक्षणिक वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक स्तर 10 तहत 57,700 और 1,82,400 तक वेतन देय होगा। आवेदन तिथि की अगर हम बात
करें तो आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ₹500, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी और महिला आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कहां करें आवेदन, तो इच्छुक अभ्यर्थी www.colrec.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और www.ramjas.du.ac.in पर जाकर आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रुप डी प्यून और ड्राइवर के लिए 3,678 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा 18 से 40 वर्षों के बीच में होनी चाहिए। आवेदन 18 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 17 दिसंबर तक चलेगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो बाहरी राज्यों तथा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए ₹150 तथा राज्य के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए ₹100 होगा। वहीं वेतन ₹12,400 प्रतिमाह होगा। आवेदन कहां करें, तो आवेदन करने का लिंक अभी नहीं दिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट www.hcrag.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती के लिए 2,029 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो संबंधित क्षेत्र में आईटीआई एनसीवीटी प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। आयु सीमा 8 दिसंबर तक के 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसटी एससी को 5 और ओबीसी को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। आवेदन की तारीख की अगर हम बात करें तो आवेदन 8 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी को ₹100 चुकाने होंगे, जबकि एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप एवं महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वेतन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन कहां करें, तो आवेदक www.rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस भर्ती के संबंध में और अधिक जानकारी वहां से ले सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने जिला क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय नर्सिंग सलाहकार, क्षेत्रीय M&E अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर और अन्य विभिन्न पदों पर 121 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक के लिए मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन सोशल वर्क, MBA, PG डिप्लोमा होना जरूरी होगा और साथ ही साथ 3 वर्षों का अनुभव भी जरूरी होगा। क्षेत्रीय नर्सिंग सलाहकार के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, PG डिग्री या डिप्लोमा के साथ होना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय M&E अधिकारी के लिए PG स्टैटिस्टिक, MSc, IT, MCA, BE, BTech, BCA के साथ MPH, MBA होना अनिवार्य होगा। जीव चिकित्सा इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, BE या BTech में किसी में भी अनिवार्य होगा। सामुदायिक नर्स, केस मैनेजर के लिए किसी भी नर्सिंग विद्यालय या संस्थान से जिसे भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता मिली हो, से GNM कोर्स किया हो या BSc नर्सिंग किया हो या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग किया हो। साथ ही अभ्यर्थी का बिहार नर्स पंजीकरण परिषद से पंजीकृत होना भी आवश्यक है। मनोरोग नर्स के लिए मनोरोग नर्सिंग में डिप्लोमा या MSc होना आवश्यक एवं 3 वर्षों का अनुभव भी जरूरी है। नैदानिक मनोचिकित्सक के लिए मनोविज्ञान में PG डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक एवं साथ में 4 वर्ष का अनुभव होना भी जरूरी है। एवं आखिरी पद है मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, इसके लिए पूर्णकालिक मास्टर डिग्री सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में होना अनिवार्य है। साथ ही 4 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। अगर इन पदों पर उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2019 तक अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 हो तथा अधिकतम 37 वर्ष हो। एससी एसटी को 5 वर्ष जबकि ओबीसी को उम्र में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को 43,000, क्षेत्रीय नर्सिंग सलाहकार को 30,000, क्षेत्रीय M&D अधिकारी को 30,000, जीव चिकित्सा इंजीनियर को 35,000, सामुदायिक नर्स केस मैनेजर को 30,000, मनोरोग नर्स को 40,000, नैदानिक मनोचिकित्सक को 60,000 तथा मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता को 50,000 प्रति महीना भुगतान किया जाएगा। आवेदन तिथि, तो आवेदन 19 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है जो कि 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। आवेदन शुल्क जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ₹500 देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवार केवल बिहार निवासी को ₹250 ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क देना होगा। कहां करें आवेदन, तो इच्छुक अभ्यर्थी स्टेट हेल्थ सोसाइटी bihar.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।